YouTube चैनल पे और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड क्लास किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा की इस क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्या है ब्रायोफाइटा एक्चुअली, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसके फर्दर और वो किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लीवर, वॉर्ट्स एंड मॉस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन की तरफ और देखते हैं पहला पेज। सो हियर वी आर, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स बेसिकली। ठीक है, बहुत कठिन सुनने में लगता है ब्रायोफाइट, टेरिनोफाइट, थैलोफाइट्स, बट कुछ नहीं, एक सिंपल लाइन में इसे हमने यहाँ डिफाइन किया है। ब्रायोफाइट किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइट्स आर बेसिकली स्मॉल नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स दैट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो लाइनें इंपॉर्टेंट कही गई हैं, क्या है वो, दैट दीज आर नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स एंड दैट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, तो इन्हें हम किस कैटेगरी में काउंट करते हैं? इन्हें ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन कैटेगरी में काउंट करते हैं। इसे कहा गया है एम्फीबियन प्लांट्स कहा गया है, क्यों? क्यों? क्योंकि ये सॉइल पे तो ग्रो कर ही सकता है, बट इसके रिप्रोडक्शन पार्ट के लिए इसे किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, इसे वाटर की जरूरत है, तो इसीलिए इसे एम्फीबियन प्लांट्स भी कहा गया है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा वास्कुलर नॉन वास्कुलर के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ मैंने रखा है नॉन वास्कुलर प्लांट, जैसा कि ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, तो क्या है बेसिकली वास्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वास्कुलर प्लांट्स। तो वास्कुलर प्लांट्स आप देख सकते हो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स रखा है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है। वास्कुलर प्लांट्स आर बेसिकली लार्जेस्ट ग्रुप बोला जाता है इन्हें प्लांट किंगडम में से, एंड दिस प्लांट वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड फूड। वास्कुलर जो प्लांट्स हैं इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके अंदर प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसे वास्कुलर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो एक वास्कुलर प्लांट किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसके, इनके अंदर ट्रू रूट्स प्रेजेंट होता है जो कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होता है, वो लोग रिजॉइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे स्टेम्स की, तो स्टेम्स देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्टेम प्रेजेंट है, राइट। और अगर बात करेंगे हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स पे, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ कुछ स्टेम रूट किसी का कोई पता नहीं है, मीन्स व्हाट, ये लोग कैसे फीचर्स होते हैं, ये लोग थैलॉइड होते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस पॉइंट को याद रखना, वास्कुलर प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स कैसे कहा गया है। वही बात करें अगर हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स की, तो ये थैलॉइड बॉडी होती है, इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होता है। थैलॉइड बॉडी ही क्या बताता है हमें कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक विजिबिलिटी है कि ग्रीन ग्रीन कुछ है, बट इनको हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दे गेट न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड पास देम सेल टू सेल। ठीक है, दिस कीप्स दिस प्लांट वेरी स्मॉल इन साइज। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? मॉसेस है, लिवर वॉर्ट्स है, हॉर्नवर्ट्स है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया ब्रायोफाइट्स बेसिकली है क्या, एक स्मॉल नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स है जिसे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें एम्फीबियन प्लांट्स भी कहा गया है। और इनका कैरेक्टर कैसा होता है? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? ये खुद का खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, किसके प्रोसेस के थ्रू? बायो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उस माध्यम से ये लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैबिट्स और एंड हैबिटेट्स पे कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवर वॉर्ट्स। इनकी जो मेजॉरिटी जो स्पीसीज में है, मॉसेस और लिवर वॉर्ट्स, ये बेसिकली बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको देख सकते हो आप यहाँ पे मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ शेडेड एरिया है और ये थोड़ा मॉसेस और लेवल वॉर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कहाँ ये पाए जाते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से भी डिस्कस किया था, इन्हें एम्फीबियंस भी कहा गया है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि दे कैन लिव ऑन सॉइल बट नीड वॉटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
इनको आगे बढ़ने के लिए इन्हें वाटर की आवश्यकता होती है. ओके, दे आर फाउंड इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज. कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन डैम. कौन से एरिया में पाए जाते हैं? डैम, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में पाए जाते हैं. ठीक है, और देखिए इसका फीचर देख सकते हो आप, ये लीफी फीचर है. यहाँ पे रूट जैसा कुछ तो है, लेकिन क्या है, ये रिजॉइड्स है यहाँ पे. ठीक है, ये रूट नहीं है एक्चुअली, ये बस हल्का सा हेयरी स्ट्रक्चर है जो कि सॉयल से जुड़ा होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं. तो इनका कैरेक्टर कैसा होता है? प्लांट बॉडी इनका थैलस लाइक होता है, एंड कैन बी प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट. कैसा होता है थैलस बॉडी, मतलब क्या, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. ओके, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होता है, मतलब ऐसे सोए हुए ये लोग होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ इनका लुक्स होता है. ठीक है, इस तरीके का कुछ दिखता है. प्लांट बॉडी इज अटैच टू सबस्ट्रैटम. ठीक है, प्लांट बॉडी इनका किससे अटैच होता है? सबस्ट्रैटम से अटैच होता है, कुछ इस तरीके से. ये सॉइल है हमारा, ठीक है, ये सॉइल है और ये कुछ इस तरीके का इनका रूट्स होता है. ठीक है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है. ठीक है, तो ये आपको यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर रिजॉइड से क्या होता है, अटैच्ड होता है. ठीक है, थ्रू रूट, स्टेम और लीव्स आर एब्सेंट. इनके अंदर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है कि थ्रू रूट, स्टेम और लीव क्या होता है, एब्सेंट होता है इसमें. हाउ द रूट लाइक, लीव लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट, दिखता है कुछ उस तरीके से. कभी आप देखना, जब हम लोग कई बार क्रिकेट खेलने के लिए या फिर मैदान में जो सफाई करते हैं मैदान की, कभी आप देखना ऐसे जब पौधों को जब आप बस उखाड़ते हो तो देखना हल्का 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 कुछ सॉइल के साथ निकल के आता है रूट लाइक स्ट्रक्चर. तो दैट इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड, हाँ बोलते हैं उससे मॉस. ठीक है, मॉस भी बोल सकते हो आप और लिवर वर्ड्स भी बोल सकते हो. तो वो लीव जैसा कुछ तो दिखता है, ठीक है, रूट जैसा कुछ तो दिखता है, बट दे आर नॉट एक्चुअल, दे आर नॉट ट्रू. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इनके रिप्रोडक्शन पार्ट पे. रिप्रोडक्शन पार्ट इनका तीन प्रोसेस से होता है, दैट इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव प्रोसेस जो है यहाँ पे, ये ट्यूबर और गैमेट के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूबर जो है आप लोग एक बार देखे होगे कुछ चार्ट को, उस पे देखना कि इधर वाइट वाइट सा कुछ होता है और फिर वहां से देखिए एक प्लांट जैसा निकलता है. तो ये क्या हो जाता है? ट्यूबर हो जाता है. एंड गैमेट की अगर बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ ताकि लिखूँ तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे समझ में आए. ठीक है, तो ट्यूबर एंड गैमेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. तो ट्यूबर और गैमेट की बात करें तो गैमेट बेसिकली होता क्या है? गैमेट इज बेसिकली एक कैप्सूल टाइप होता है जो कि स्पोर फॉर्म होता है यहाँ पे. ठीक है, स्पोर्स फॉर्म होता है एंड ये स्पोर्स जब डिस्पर्स हो जाता है तो उनमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, एक स्पोरस टाइप कुछ होता है, स्पोर फॉर्म होता है और उस पे से जब ये डिस्पर्स होता है तो एक नया पौधा यहाँ से निकल कर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल देख सकते हैं. दूसरा देखो आप असेक्सुअल में, अगेन स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है, स्पोर फॉर्म होने के बाद वहां से नया नया पौधा निकल कर आता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें गैमेट्स की जरूरत होती है. ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि दे आर बेसिकली गैमेटोफाइट. मेन प्लांट बॉडी इनका हैप्लॉयड है. किस टाइप का बॉडी है इनका? हैप्लॉयड बॉडी है और हैप्लॉयड बॉडी होने की वजह से इन्हें क्या कहा गया, गैमेटोफाइट कहा गया है. ठीक है, और ये गैमेट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. तो इनका मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होता है. अब आपको ये याद रखना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, अब ये देखिए किस तरीके से होता है. दे आर प्रोड्यूसेस बाई फ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स. ठीक है, क्या करता है, इन्हें वाटर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो वाटर की रिप्रोडक्शन होने की जरूरत की वजह से क्या करते हैं ये लोग, ब्लाई फ्लैजेलेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रोजॉइट्स. एंथ्रोजॉइट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसे वाटर में रिलीज करते हैं और फिर वही जो एंथ्रोजॉइट जो रिलीज किया गया है वो फीमेल आर्किगोनियम में जाकर उनके एग के साथ फ्यूज होता है एंड देन जाइगोइड फॉर्म होता है वहाँ पे. एंड देन ये मल्टी सेल्युलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं. क्लियर एवरीवन? तो किस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये जो बाई फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइट्स जो रिलीज किया गया है वाटर में मेल एंथ्रीडियम के द्वारा, तो ये क्या कर रहा है, ये फीमेल आर्किगोनियम में जाकर उनके एग में फ्यूज होता है एंड देन वहाँ जाइगोइड फॉर्म होता है एंड देन मल्टी सेल्युलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि स्पोरोफाइट कहते हैं हम इन्हें. ओके, द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट और उसके बाद वो जो स्पोर्स जर्मिनेट होता है और फिर वो क्या करता है, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है. क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे. ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है?
सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पीट इज ऑब्टेंड फ्रॉम स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम, ठीक है, स्पैग्नम विच इज मॉस, मॉस का एक मतलब स्पीसीज है स्पैग्नम. यहाँ से क्या करता है, पीट हैज बीन यूज एज फ्यूल. किसके लिए यूज होता है पीट, फ्यूल के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये किससे आता है, स्पैग्नम से आता है. तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से. पीट इज ऑल्सो यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज पीट हैज गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर. ओके, अगेन इनके अंदर क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. तो कभी भी हमें अगर फ्यूचर में किसी मतलब पैकेजिंग मटेरियल के लिए अगर यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर पौधे को ही कई बार हम एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाते हैं, तो हमें क्या होता है, ब्रायोफाइट्स की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज इनके अंदर बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. ठीक है, मॉसेस आर अमॉन्ग द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक. इनका एक अगेन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन के ये काम आता है. ठीक है, ये लोग सॉइल रॉक्स को क्या करते हैं, तोड़कर सॉइल में फॉर्म करते हैं. सम मॉसेस ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. सॉइल इरोशन को ये रोकता है, जो कि रेनी सीजन के टाइम पे कई बार सॉइल इरोड होता है, तो ये इन्हें बांध कर रखता है. क्यों, क्योंकि एक सॉइल पे ये डेंस मैट की तरह बिछा हुआ रहता है और ये सॉइल्स को इरोड होने नहीं देता है. ब्रायोफाइट्स, अब हम इसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज लिवरवॉर्ट्स एंड द अदर इज मॉसेस. लिवरवॉर्ट्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कहाँ ये ग्रो करते हैं. आप देख सकते हो लिवरवॉर्ट, ये स्पोरस टाइप कोई बॉडी है. लिवरवॉर्ट्स आर बेसिकली ग्रोन इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिट्स. ओके, मॉइस्ट एंड शेडी एरिया में पाए जाते हैं. इनकी बॉडी टाइप भी कैसी है, इनकी बॉडी टाइप भी आपको क्या है, थलॉइड है. थलॉइड जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएट, देखिए आप यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे लीव्स क्या है, स्टेम क्या है, रूट क्या है इस पिक्चर में. ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, दो प्रोसेस से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में फॉर्म होकर, अलग अलग होकर टूटता है और उसके बाद फिर एक इंडिविजुअल बॉडी फॉर्म होता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, और ये सेम या फिर डिफरेंट थलॉइड बॉडी पे ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अब स्पोरोफाइट, ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरोफाइट फॉर्म कर रहे हैं, और ये स्पोरोफाइट किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं हम इन्हें हम फूड, सिटा और कैप्स्यूल में डिफरेंशिएट करते हैं. ये तीन अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है. फर्स्ट लेयर जो है वो उसके बाद ऊपर आता है, उसके बाद ऊपर जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है हमें ये. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉसेस की तरफ, दैट इज सेकंड डिवीजन है इसका. कई बार देखना हम लोग मॉस देखे कहाँ हैं, आप लोग देखे हो बारिश के दिनों में, दीवार अगर नमी रह जाए, वहाँ पे धूप ना पड़े, सनरेज ना पड़े, सूखा ना हो, तो कुछ देखिएगा इस तरीके का फॉर्म हो जाता है दीवार पे, है ना, ये बेसिकली क्या हो जाता है, मॉस हो जाता है. ओके, ये इसे मॉस कहते हैं. ओके, अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. कैरेक्टरिस्टिक कैसा है इनका, दे आर गैमेटोफाइट इन द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस. कैसे होते हैं ये लोग गैमेटोफाइट, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे. ठीक है, गैमेटोफाइट यहाँ पे दो तरीके से कंसिस्ट करता है, क्या क्या है वो. ठीक है, पहला देखिए हम लोग देख रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, दैट इज प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज. तो प्रोटोनेमा स्टेज कैसे डेवलप होता है, स्पोर्स के थ्रू फॉर्म होता है. गैमेटोफाइट यहाँ डेवलप होता है स्पोर फॉर्म में, और फिर वो जब लीफी फॉर्म में आता है तो क्या हो जाता है, यही स्पोर डेवलप होता है लैटरल बर्ड्स में. ठीक है, लीफी स्टेज डेवलप हो जाता है प्रोटोनेमा का लैटरल बर्ड में. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमें याद रखना है कि दो तरीके का होता है, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, क्या है वो, प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज. ठीक है, प्रोटोनेमा डेवलप करता है स्पोर फॉर्म में. ठीक है, और यही स्पोर फॉर्म में ये डेवलप होने के बाद इसमें चला आता है, ये स्पोर फॉर्म ही डेवलप होने के बाद आपको लैटरल बर्ड में, लीफी स्टेज में लैटरल बर्ड में फॉर्म हो जाता है. ओके, तो प्रोटोनेमा स्टेज हम लोगों ने देखा स्पोर फॉर्म में हो रहा है, और इट इज कैसा है, इट इज क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड यूजुअली फिलामेंटस फॉर्म में होता है ये. ठीक है, द लीफ स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्स बियरिंग स्पाइनल अरेंज्ड लीव्स. It is attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. Okay, the leaf stage bears the sex organ. यहाँ पे sex organ कहाँ present होता है? Leafy stage में present होता है. Reproduction इनका किस process से होता है? Vegetative reproduction takes place किस process से? Process by fragmentation or budding through. Fragmentation
फ्रेगमेंटेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड, फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में बढ़ के इंडिविजुअल बॉडी फॉर्म होकर फिर ये लोग प्रोड्यूस होते हैं। और बडिंग मतलब क्या है, यहाँ पे प्लांट में एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, कुछ ऐसा एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, ये लोग निकल के फिर अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन हमें जानना था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे अगेन, यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। एंथ्रीडिया और आर्टिगोनिया are produced at the apex of the shooting waves, ठीक है? And after fertilization, क्या होता है यहाँ पे zygote develop होता है sporophyte में, ठीक है? Sporophyte में zygote develop होता है, and the sporophyte consists of किससे बना हुआ है ये बना हुआ है spore, seta and capsule का, and the capsule contains spores. Spores are again formed after meiosis. And this is an elaborate mechanism of spore dispersal in mosses. तो देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है ताकि आप लोग इसे पढ़ पाओ फ्यूचर में, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियरली ये समझ में आए। काफी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है। स्पोरोफाइट, पहले जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, और उसके बाद स्पोरोफाइट किसका कंसिस्ट कर, किससे कंसिस्ट होता है, फूड सेटा और कैप्सूल से। अगेन ये स्पोर्स में कैप्सूल जो है कंटेन करता है स्पोर्स, स्पोर्स अगेन किससे फॉर्म होता है, मियोसिस से फॉर्म होता है। तो ये एक प्रोसेस था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मॉसिस में। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ब्रायोफाइटा और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू एवरीवन।